हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट बिफोर क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सेम लेआउट है मेरा, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने फ्लावर अपेंड किया था। इस वीडियो में मैं फिर से आपको दिखाता हूँ फ्लावर हम लोग अपेंड करेंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इंसर्ट बिफोर एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं फ्लावर सेक्शन ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरा फ्लावर सेक्शन है, और यहाँ पर भी कॉल टू है, तो मैं कॉल टू पहले वेरिएबल में लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉल टू, मुझे दे दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखना है मुझे, और फ्लावर में जो क्लास नेम है कॉल हाइफन टू, इससे आपको मिल जाएगा क्या, कॉल टू। ओके, अब दूसरी चीज मुझे लेनी है जो मुझे अपेंड करना है, तो पहले मुझे वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे एच फोर पहले क्रिएट करके दो। तो क्रिएट करने के लिए आपको पता है क्रिएट एलिमेंट यहाँ पर लिखना है एच फोर, और ये आपका एच फोर क्रिएट करके दे देगा। इसके बाद एक वेरिएबल लेता हूँ मैं टेक्स्ट, जो मुझे टेक्स्ट इस एच फोर के अंदर अपेंड करनी है, राइट। तो वो टेक्स्ट पहले मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और टेक्स्ट नोड में मैं लिखता हूँ फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर मुझे क्या करना है, अपेंड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एच फोर डॉट, क्या करिए आप, सॉरी इसको मैं नीचे लिखता हूँ, एच फोर डॉट अपेंड चाइल्ड करिए। ओके, तो अपेंड चाइल्ड क्या करिए, जो टेक्स्ट मैंने लिखी है वो सिंपली अपेंड करिए। चलिए इसको लॉग में देख लेता हूँ मैं एक बार कि एच फोर में मुझे क्या मिल रहा है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अपेंड किया हुआ मुझे एच फोर का एच टी एम एल टैग मिल रहा है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, इसको इसके अंदर डाल देना है, मतलब ही इसके अंदर अपेंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंपली मुझे लिखना है कॉल टू। ओके, इस पे जाके आप अपेंड कर दीजिए जो मेरे पास ऑलरेडी एच फोर का वेरिएबल है। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर एच फोर का एच टी एम एल टैग आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सिंपली ये एच फोर आ गया, अब मुझे ये एच वन के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो इंसर्ट बिफोर मेथड के जरिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इंसर्ट बिफोर मेथड के जरिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज मुझे करना कहाँ पर है वो पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब उसके पेरेंट का नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको इंसर्ट बिफोर करना है। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज उसको पेरेंट मेंशन करने के बाद उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपको क्या अपेंड करना है और कहाँ पर अपेंड करना है। ठीक है ना, इसके लिए उसका पेरेंट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप कॉल हाइफन टू जो है इसके अंदर तीन चिल्ड्रंस कह सकते हैं। देखिए ये कॉल टू क्या हो जाता है, पेरेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर तीन चिल्ड्रंस है, इमेज एच वन और एच फोर, ये तीनों चिल्ड्रंस है, और इसका पेरेंट कौन बन जाता है यहाँ पर, कॉल हाइफन टू। तो इस हिसाब से कॉल हाइफन टू क्या होता है, एक पेरेंट है। तो पेरेंट तो हम लोग ने ऑलरेडी मेरे पास देखिए वेरिएबल में अवेलेबल है। ओके, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ क्या, कॉल टू डॉट इंसर्ट बिफोर। ओके, इतना लिख लिया। अब इसमें दो पैरामीटर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक आपको क्या अपेंड करना है, ठीक है, मतलब क्या आपको इंसर्ट बिफोर करना है और कहाँ पर करना है, मतलब किसके पहले करना है, ये बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या करना है वो तो मुझे पता है, जो वो है एच फोर करना है, और दूसरा जो है कहाँ पर करना है, राइट, कहाँ पर मतलब किसके पीछे या किसके पहले, तो मुझे एच वन के पहले करना है। ठीक है ना, इसके लिए मुझे यहाँ पर एच वन मेरे पास देखिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सिंपली देखिए कॉल टू अवेलेबल है। ठीक है, कॉल टू का वेरिएबल मेरे पास है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉल टू के चिल्ड्रन जो है एक दो तीन, और दूसरा देखिए पहला दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला दूसरा तीसरा नहीं होता है चिल्ड्रन में, कैसे 0 1 2 होता है, राइट। तो मैं देखिए आपको कैसे यहाँ पर लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, कॉल टू लिखना है, डॉट लिखना है, एक तो आप चिल्ड्रन यूज करिए चाइल्ड नोड्स यूज करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली चिल्ड्रन यूज करूंगा, और यहाँ पर मैं एरे दूंगा, और इस एरे के अंदर इंडेक्स नंबर दूंगा। देखिए 0 पे क्या आएगा, मेरा इमेज आएगा एच वन आएगा, 1 पे एच फोर आएगा, 2 पे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि एच वन के पहले आए, तो एच वन 1 नंबर है, इसलिए यहाँ पर मैं 1 नंबर दूंगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे इसको पता चल जाएगा ओके कि कॉल टू जो है
इसमें हमें इंसर्ट बिफोर करना है, कॉल टू मेरा एक पेरेंट है जो ये है, इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना है बिफोर, और क्या करना है, एच फोर करना है जो हमें यहाँ पर मिल रहा है एच फोर, ओके। और कहाँ पर करना है मतलब किसके पहले करना है, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया है कि कॉल टू चिल्ड्रन वन के पहले करना है, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये जो है इसके ऊपर चला जाएगा, ओके, समझ में आ गया। अब इसमें और भी तरीके हैं, ऐसा भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर चिल्ड्रन लिख के ही करना है, आपको अगर ये एच वन गेट करके करना है या फिर देखिए आईडी लगा हुआ है तो आईडी गेट करके करना है, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको मैं एक और दिखाई देता हूँ आपको, अभी एच वन गेट करके हम लोग करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि एच वन गेट का मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा एच वन, और मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और सिंपली मुझे और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर, फ्लावर FLOWER में जो एच वन है, ओके। तो ये पहला एच वन मिल जाएगा सिंपली, और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल लिखना है एच वन, तो ये एच वन के पहले मुझे चाहिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए फिर से ये आपका काम करेगा, ओके। अगर आपको इमेज के पहले चाहिए तो आपको इमेज टैग गेट करना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया है, यही इंसर्ट बिफोर है। सिंपली ध्यान में एक चीज़ ही रखनी है, देखिए पहला जो है वो पेरेंट नोड कहते हैं इसको, पेरेंट नोड का मतलब आपको कौन से पेरेंट के अंदर काम करना है, मतलब कौन से पेरेंट के अंदर इंसर्ट बिफोर लगाना है, तो मुझे इस पेरेंट के अंदर लगाना है मैंने बोला, ठीक है। तो कौन सा है वो, कॉल टू है, ठीक है। अब मैंने लगा दिया तो वो बोलता है कि आपको क्या है, क्या इंसर्ट बिफोर करना है, तो मेरे पास एच फोर है तो वो इंसर्ट बिफोर करना है, इसके लिए इंसर्ट कर लिया, लेकिन किसके बिफोर करना है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एच वन लिया, या फिर आप चिल्ड्रन या चाइल्ड नोड्स कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही यही है इंसर्ट बिफोर। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।